आखे हलीमा लोरी में सुनेनिया तू सो जा सोना झूला में झूलेनिया आखे हलीमा लोरी में सुनेनिया तू सो जा सोना झूला में झूलेनिया आखे हलीमा लोरी में सुनेनिया तू सो जा सोना झूला में झूलेनिया आखे हलीमा लोरी में सुनेनिया तू सो जा सोना झूला में झूलेनिया। मां हलीमा फरमारी मेरे हाथ ते सीते सोना पा तू चोले उंगली पकड़ के चल हौले हौले चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते मैं चाल वेनिया झूला में झूलेनिया घर बेच हलीमा बेड़े बेच हलीमा फिर दी हस दी सकियान बाबा अब्दुल रशीद वो फिर दी दस दी क्या मैं तू ए हसेंदा है मैं तू ए हसेंदा है इकू मैं हसेनिया जिस तरह के ऐलानात के जरिए और इश्तिहारात के जरिए अहलियाने गाँव नू इत्तला मिल चुकी है कि आज इंशाअल्लाहुर रहमान जामिया मस्जिद फातिमतुज़्ज़हरा अहले हदीस के अंदर अज़ीमुश्शान तबलीगी इस्लाही तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़द हो रहा है जिहदे अंदर ख़तीब इस्लाम मुक़र्रर खुश इल्हान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक हफ़िज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह मुफस्सल और खुसूसी खिताब फरमाएंगे। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए। एक दिन क्या हुजूर ने वाहिद है ओ खुदा वाहिद है ओ खुदा सारे यकीन आप दे लफ्ज़ां ते मुक गए सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए। अल्लाह ताला दी हमदो सना हमदा सनावा किबरियाई बड़ाई तारीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात वास्ते है। बेशुमार ला तादाद बेहदो हिसाब दरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया आमीना दे लाल पैगंबरे बेमिसाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अकदस ते आज दा बाद नमाज़े इशा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले ना प्रोग्राम मस्जिद इंतजामिया जमाती नमाजी खतीब व इमाम पिंड वाले अहले इलाका जिन भाइयों ने जो जो मेहनत मुहब्बत की है अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम फजीलत-उश-शेख कारी शुएब साहब हाफिज़हुल्लाह ताला फजीलत-उश-शेख हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मस्जिद इंतजामिया मुआविनीन अल्लाह पाक सबना दी मेहनत मुहब्बत कबूल फरमाए। साढ़े इंतहाई काबिल एहतराम बाबा जी अब्दुल रशीद साहब समुद्री तो माशाल्लाह तशरीफ ले आए ने और आज का वादा भी उन्होंने हुक्मन फरमाया सी कि जल्दी पहुंचो मगरब के बाद तुसा पहुंचना है तो शाह के बाद फौरन तुहाडा पहला बयान है। मोहतरम भाई साजिद साहब दशकोट तो हजरात में अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा किया अपने वादे बा मुताबिक बाद नमाज़े मगरब पहुंच गया तो बाबा जी ने जो मेरे नाल वादा किया सी इशा तो बाद फौरन बयान भी शुरू हो गया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। चंद मिनट मैं तुहाडे नाल गल्लां करनियां ने ते इंशाअल्लाह आइंदा अगर तुसी इंज ही करो ना बाहर दे मेहमान नूं बुलाओ ते शाह दे बाद जिहड़े घर बह के हुक्का सिगटां ते चाहां ते आंडियां च मसरूफ ने भी असीं एंड ते पहुंचांगे जदों ओ आण ते दुआ ही हो जाए। एक दो वारी इंज हो गया ते अगली वारी ओ शाह तों पहले मसीते होणगे इंशाअल्लाह। टाइमो टाइम आए मेहमान बा तकरीर कराओ तो जदों पिंडा च लोगों की रूटीन बनी दी 10 बजे जाना 10 बजे जलसा बंद होए मस्जिद नूं ताला होए। इत्थे जदों पहुंचे हैं तो मैनूं पता लगा अगे प्रोग्राम रखे है खतीब नहीं पहुंच सके कोई मजबूरी होनी, अल्लाह पाक उन्हों की हिफाजत फरमाए। तो जी वक्ती तौर पर परेशानी आई खतीब ना आए, अल्लाह पाक उस परेशानी का भी तुहानू अजर अता फरमाए। वो प्रोग्राम भी रब कबूल फरमाए, अज का भी कबूल फरमाए। तो दोबारा जदों भी प्रोग्राम रखो मेरी दिली दुआ है अल्लाह पाक कमियां कुताइयां दूर करे, हर प्रोग्राम नू कबूल भी फरमाए तो साडे लिए निजात का जरिया भी बनाए। उच्ची आमीन को। हाजी राशिद साहब बड़ी मशहूर मारूफ हस्ती मदनपुरे वाले हाजी राशिद साहब वो तशरीफ फरमान है, अल्लाह पाक इन्होंने तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। इसी तरह दीगर इंतजामिया बुजुर्ग नमाजी अल्लाह पाक सबना की हाजरी कबूल फरमाए। बाबा जी वह की नाम जे तुहाडे भांजे दा? मियाँ गुलजार साहब। अल्लाह पाक मियाँ साहब नूं तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर भी आवांगे, फिर भी आवांगे, बार बार आवांगे। जिंदगी की बात है हजरात, जे जिंदगी रही तो मुलाकात बंदे दी होंदियां रहिंदियां ने। मैं कुरान पाक की जिहड़ी आयत पढ़ी है इस हवाले नाल कोई चंद गुजारशात तवज्जो है। अल्लाह पाक कसमा चुक चुक के फरमा रहे ने कि मेरा महबूब हक ते सच ते दीन और शरीयत ते वे सिराते मुस्तकीम ते वे। अल्लाह पाक ने कसम चुक के फरमाया कि मेरा आखिरी नबी अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदा, अर्श वाले रब दी मर्जी नाल बोलदा है। जदों भी बोलदा है अर्श वाले रब दी मर्जी नाल बोलदा है। नबी पाक दी जात भी सच्ची, नबी पाक दी बात भी सच्ची। तुहाडी तवज्जो है। थोड़ा थोड़ा मेरे नाल बोलो, जरा नहीं बोल सकते थोड़ा सेरी लाई रखो, मैनू पता लगेगा तुहानू गल समझ आ रही है। मैं तुहाडे नाल जिहड़ी मिंटा वाली गल करनी है, नबी पाक दी जात भी सच्ची ते नबी पाक दी बात भी सच्ची। जिवें कुरान पाक दियां आयतां ने इंज नबी पाक दियां बातां ने। सुभान अल्लाह। कुरान पाक दियां आयतां अंदर भी शक नहीं, नबी पाक दियां बातां अंदर भी शक नहीं। जेड़ा बंदा कुरान पाक दी किसी एक आयत अंदर शक करे ईमान तू फारग है। खुदा दी कसम जेड़ा नबी पाक दी एक हदीस ते शक करे वो भी ईमान तो फारग है। ना कुरान अंदर शक, ना ही नबी पाक दी हदीस अंदर शक। कुरान ते ईमान ले आना भी जरूरी ते नबी पाक दियां बातां ते ईमान ले आना भी जरूरी है। हजरात इधर मेरी तरफ देखना, तुसी सियाने बंदे हो, पिंडा वाले बंदे हो, माशाल्लाह दना आदमी हो। मैं बुखारी की एक रवायत सुना के फिर गल शुरू करा, तुहानू गल इंशाल्लाह समझ आएगी तो मज़ा भी आएगा, ईमान भी ताज़ा होएगा। सहीहुल बुखारी अंदर लिखे है नबी पाक सहाबा नू लैके गजवा तबूक की तरफ जा रहे ने। हजरात रस्ते अंदर एक औरत दा खजूरां दा बाग आ गया ते नबी पाक दे गुलाम मंजर वेख के आंदे ने, खजूरां पकियां ने। एक आंदा 5 वसक वजन होएगा। हजरात 1 वसक अंदर कई मन हुंदे ने, 5 वसक खजूरां दा वजन होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दूजा गुलाम आंदा है, मेरा अंदाजा 6 वसक होएगा। ए मंजर नबी पाक ने देखया। आका फरमांदे ने मैं रब ने चाहया ते जिहड़ी गल मैं करन लगा इधर मेरी तरफ वेखो। आका फरमांदे ने जे रब ने चाहया ते खजूरां पक के तैयार ने, 10 वसक वजन होएगा। कितना होएगा? तुहाडे पिंड च गुजर गुजर है ना कोई? है। चलो वो मेरी बरादरी है। गुजर जो मझ नूं वेंदे ने आंदे ने सवेरे 4 किलो दुध देगी, 4 किलो शाम नूं देगी। जट भी अंदाजा ला लेंदे ने क्योंकि गुजर मझां वाले बहुते मशहूर ने। इस वास्ते मैं अर्ज कीती है मझां ते माशाल्लाह सारेयां कोल हुंदियां ने। ते कदे कदे गुजर आंदे ने 5 किलो सवेरे, 5 किलो शाम। जे 6-7 किलो सुबह, 6-7 किलो शाम देवे, साडे नज़दीक वो बड़ी तगड़ी मझ है। जी सुबह शाम 7 किलो सुबह, 7 किलो शाम देवे, बहुत तगड़ी मझे। वरना जेडे अजकल हालात ने 2.5-3 किलो ही चलता है ज्यादातर। बहर हाल जेड़ा अंदाजा असी लाइए या व्यापारी लान, कदे पाइया वध जांदा है, कदे घट जांदा है। मेन वा अन कदे गल पूरी होई कणक बीजी है या मूंजी या मकई। हजरात लोग आंदे ने यार मकई वाहवा लगी है 60-70 मन किला होएगा, साडे इलाके इस दफा 40-42 मन तूफी एकड़ वधे कोई नहीं, जिमीदार रोई जाते हैं। हजरात 40-45 मन 42 मन 44 मन फी एकड़ ते पिछले तू पिछले साल मैं भी थोड़ा शौक कर लिया ते अल्लाह पाक ने 90 मन फी एकड़ पहुंचा दी। इस दफा वो 65 मन ते फी किला भी हुई, सब कुछ हुई, पता नहीं बीबू बदल गया है 65 ते आ गया है। ये निजाम हजरात चलता रहिंदा है, कदे वध गई कदे घट गई। असीं जेड़े अंदाजे लाइए पूरे हुंदे। जे कणक नूं वेख के जिम्मेदार आंदे ने बड़ी तकड़ी है जी 50 मन फी औसत पक्की ते जेदी 50 मन किला होवे तुहानू पता है क्या बात है, वो मुबारकबाद दा हकदार है, वरना 35-40 मन गंदम फी एकड़। मैं अर्ज करना चाहना साडे अंदाजे कदे पूरे होए ते जिस मुर्शद दा कलमा पढ़िया हुण गल ओंदी दी सुनिया जे खुदा दी कसम साडा ईमान है। नबी पाक जेड़ी गल फरमा देन राई दे दाने बराबर भी हेर फेर हो सकदी नहीं। आका फरमांदे 10 वसक वजन होएगा ते इस बीबी नूं कहो खजूरां दा ये बाग पक्या फल तोड़ के वजन कर ले, वापसी ते असीं पुछना है। ते जदों गज़वा तबूक तू वापसी इस जगह ते पहुंचे आपने पूछा सहाबीओ दसो फल तोड़ लिया गया जी सोने हो। अच्छा बीबी नूं पूछो वजन कितना होया है, बीबी नूं पूछया आंदी है खुदा दी कसम सोने हो जेड़ी गल तुसां फरमाई सी पूरा 10 वसक वजन होया है, एक खजूर वधी भी नहीं एक खजूर कटी भी नहीं। सारी दुनिया के अंदाजे गलत हो सकते हैं, बातें गलत हो सकती ने। खुदा की कसम नबी पाक की जबान जी गल निकल जाए साडा ईमान है। ओ पत्थर ते लकीर लोहे ते लकीर हरफे आखिर बात है, नबी पाक की बात कदी भी गलत हो सकती नहीं। दूसरी हदीस सुन लो, इधर मेरी तरफ देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत मदीने आ रहे ने, मुस्लिम दी रवायत है। ते रस्ते अंदर हनेर चल पिया, हनेर समझदे हो तूफान चल पिया, हनेर चल पिया ते इतना तेज हंदेर तूफान आंधी चली। सहाबा बयान करते करीब सी असी सवारियां तो थले नीचे गिर जाते, नीचे गिर जाते, इतनी तेज हवा। इत्थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खबर बयान की थी। आका फरमांदे ने सहाबीओ ए जड़ी हवा चल रही है मदीने दे बहुत वड्डे मुनाफिक दी मौत दी खबर लेके आई। मदीने दा एक मुनाफिक फौत हो गया। टेलीफोनां दा दौर नहीं, किसी आप नूं फोन कर दिता ना ना, गड्डियां मोटरां दा दौर नहीं, पैदल या ऊंट घोड़े दी सवारी दा सफर। अजे रस्ते अंदर हुजूर ने जिहड़ी खबर बयान की थी सहाबा ने सुन ली, मदीने पहुंच के तहकीक की थी। खुदा दी कसम वाकया एक बहुत वड्डा मुनाफिक फौत हो चुका है। मैं तुहानू बुखारी मुस्लिम चो 2 हदीसां सुनाइयां, 50 सुनावा ते भावें 40 ते भावें 60, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। इधर मेरी तरफ देखो, आका जिहड़ी गल बयान करन या मुस्तकबिल दी खबर बयान करन या पशीन गोई देन ओ मेनवा अन्ना दी बात पूरी हुंदी है, सच साबित हुंदी है, राई दे दाने बराबर शक नहीं। क्यों? वजह की है? आप ते गैब ते जानते नहीं, गैब दा इलम, गैब दे खजानियां दी चाबियां रब कोल ने। हुजूर है फिर जिहड़ी गल बयान कर दे सच किवें साबित हुंदी। हुण मेरी तरफ देखो जरा, इधर गल सुनो हजरात। पहली गुजारिश है वे नबी पाक दा बातां करना, बातां दा सच साबित होना ए नबूवत दियां सच्चियां दलीलां ने। कहो सुभान अल्लाह कि आप रब दे सच्चे नबी बन के आए, नबूवत दी सच्ची दलील है। दूसरी गुजारिश है वे हुजूर वही दे पाबंद नबी ने, अल्लाह पाक दे आर्डर दे पाबंद ने। रब अपने हुजूर नू अपने महबूब पैगंबर नू वही दे जरिए इतला दे दिंदा है, दस दिंदा है। हजरात मोटी मोटियां वही दियां 3 किस्मां। अगर नबियां नू ख्वाब आए ना, ख्वाब खुदा दी कसम यह भी वही होया करदा है। नबियां ते जड़ा इल्हाम हुंदा है यह भी वही ते, नबियां ते हजरत जिब्राइल दे जरिए पैगाम आए यह भी वही है। ख्वाब भी वही, इल्हाम भी वही, जिब्राइल के जरिए पैगाम आए ओ भी बही ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बयान कर रहे फिर बातें मिनवान पूरियां हो रही ला महला ईमान मजबूत करना पैना है। कुरान भी वही ते नबी पाक दी हदीस भी बोलो बोलो कुरान भी वही ते हदीसे मुस्तफा भी वही। दलील की है कुरान कह रहे है फरमाया वन्नज्म इज़ा हवा वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। अल्लाह पाक कसमा चुक चुक के फरमा रहे ने आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराते मुस्तकीम ते हदायत और जन्नत दे रस्ते ते वमा अयंतिकु अनिल हवा नबी पाक अपनी मर्जी नाल नहीं जे बोल दे बल्कि कुरान दा इन हुआ इल्ला वहयुन हुजूर वही दे पाबंद नबी ने अल्लाह पाक दे आर्डर दे पाबंद नबी ने। सुनो लोगो ध्यान नाल नबी पाक दियां बातां इंज ने जिवें कुरान दियां आयतां। मेरा ते मेरी जमात दा अकीदा की है मनहज ते साडी दावत की है। सुनिया जे असीं ते गली गली कहंदे फिरने आ सोने नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान और किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सोने नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान होर किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। और दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। एडा सोना इस जग विच लभदा ही नहीं। इन हुआ इल्ला वहयुन कुरान भी वही नबी पाक दी हदीस भी बोलो बोलो उन्दे रुतबे ना कोई तोले उन्दे रुतबे ना कोई तोले उन्दी केड़ा रीस करे जिंदे लबां उते रब बोले इन हुआ इल्ला वहयुन युहा। रब दे आर्डर नाल ही नबी पाक बोलते ने। आप जदों बोलते ने फिर मोती रोलते ने। कुरान भी वही नबी पाक दी हदीस भी वही। हुण मैं तुहानू बुखारी चों तीसरी हदीस सुनान लगा। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक मदीने तशरीफ फरमा मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमा ने। आपने एक जिहादी लश्कर मुजाहिदीन दा जिहादी लश्कर आप दे गुलामा सहाबा दा लश्कर मदीने और मुल्के शाम भेजा। इधर मेरी तरफ वेखना तवज्जो है मेरी गल समझ आ रही है। मैं एक दो जुमले पढ़ा तो थोड़ी तवज्जो मुकम्मल होए फिर पै दर पै पांच सत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां हदीस मुबारक सुनाना चाहना। पहले जरा जाग पो मेरी तरफ वेखो। सोना आमीना दा लाल बड़ा साहिबे कमाल कौन मिले उंदे नाल। सोना आमीना दा लाल बड़ा साहिब कमाल कौन मिले उंदे नाल। उस दे जमाल वांगो किसे दा जमाल नहीं। उस बा कमाल दी कोई मिलदी मिसाल नहीं। उंदी उंगली दे ओटे चन होया टोटे टोटे कौन मिले उंदे ना। कौन रले उन्दे नाल। अगला जुमला बड़ा कमाल, मेरी दरवे घना मुहब्बत ना जुमला सुनिया जे फिर सुभान अल्लाह दी गूंज पैनी चाहिदी है। सजदे करेंदा आया लब भी हलेंदा आया, उम्मत लई ओते सोना मिन्नता करेंदा आया। सजदे करेंदा आया लब भी हलेंदा आया, उम्मत लई ओते सोना मिन्नता करेंदा आया। सोना करीमुल मिजाज करे, दिला उत्ते राज कौन मिले उन्दे नाल, कौन मिले उन्दे नाल। फौजो फला दिया सद सद सदाई देवे, पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे। बाबा जी मेरे बुजुर्ग भी ने ते मेरे दोस्त भी ने, समुंदरी आए सुभान अल्लाह भी वो कह रहे हैं, मौलवी वो लैके आए ने, सारे काम असी करने ने, तुसी नहीं सुभान अल्लाह कह रहे हैं। पूरी तकरीर अंदर इनदे नालों मिठा जुमला होर मेरे कोल कोई नहीं, शहद और गुड़ भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जुमला दोबारा पढ़न लगा, जे दिल करे तो कह ले सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं जी गल कर रहा इनदे नालों मिठा जुमला होर मेरे कोल कोई नहीं जे। ऐ सुनो जरा जुमला ध्यान नाल दोबारा पढ़ा। फौजों फला दिया सद सद सदाई देवे, पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे। पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे, उन्दी मिलनी नहीं मिसाल बहु मुश्किल महाल, कौन मिले उन्दे नाल। सोना आमीना दा लाल बड़ा साहिबे कमाल, कौन मिले उन्दे नाल। वन्नज्म इज़ा हवा माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, वमा यंतिकु अनिल हवा, इन हुआ इल्ला वहयु युहा। कुरान भी वही, नबी पाक दी हदीस भी वही। तीसरी हदीस बुखारी जो पढ़न लगा, नबी पाक मदीने शहर अंदर बैठे, बैठियां बैठियां इमाम कायनात रोन लग पे, तरेप तरेप अखां चों आंसू डुलदे ने पे। सहाबा आंदे ने सोहणिओ गल की है, नबी पाक रो के फरमांदे ने परवानिओ जेड़ा मुजाहिदीन दा मदीनिओ लश्कर जंगे मूताली भेजे मुल्के शाम अंदर एक जगह जिंदा नाम मूता है, इस मूता मुकाम ते जड़ा मारका ते जंग होई उन्हों जंगे मूता किया जाता है। हजरात मुल्के शाम तू मदीने दा महीने डेढ़ दा सफर है, पैदल या ऊंट घोड़े दा एक महीना डेढ़ महीना लग जाता है। नबी पाक मदीने बह के नाले रोई जाते, नाले मुल्के शाम दियां खबरां मदीने बयान करी जाते। आका फरमाते ने सहाबियो जेड़ी जंग मुल्क शाम अंदर मूता मुकाम ते हो रही है, इस जंग अंदर लड़दियां लड़दियां मुसलमानां दा पहला सिपा सलार नबी पाक दा सहाबी जिंदा नाम जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला नो, ए सहीहुल बुखारी जे। आका फरमाते ने मेरा जैद शहीद हो गया है, जैद बिन हारिसा शहीद हो गए ने। नबी पाक नाले खबर बयान कर रहे नाले जारो कतार अखा चुआ सुजारी ने। आका फरमांदे ने सिहाबियो हुन दूसरा सिपा सलार मेरे चाचे दा पुत्र जाफर तैयार रसी अल्लाह ताला अनहो दूसरे सिपा सलार बन गए ने। फिर थोड़ी देर गुजरी नबी पाक फरमांदे ने सिहाबियो लड़दियां लड़दियां जाफर तैयार भी शहीद हो गए ने। हुन तीजे नंबर ते मेरा सिहाबी जिन्हों अब्दुल्ला बिन रवाहा किया जाता है रसी अल्लाह ताला नो अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपा सलार बन गए। फिर थोड़ी देर गुजरी आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखां गिलियां करके फरमांदे ने सहाबियो मेरा तीसरा सहाबी मुसलमानां दा तीसरा सिपा सलार इस्लामी लश्कर दा तीजा सिपा सलार अब्दुल्ला बिन रवाहा भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए ने। हुण चौथे नंबर ते सैफुल्ला अल्लाह दियां तलवारां विचों एक तलवार जिन्हों खालिद बिन वलीद किया जाता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खालिद बिन वलीद सिपा सलार बन गए ने। फिर थोड़ी देर गुजरी आका फरमांदे ने खालिद बिन वलीद दे हाथ ते रब ने इस्लामी लश्कर नूं कामयाबियां अता कर दित्तियां ने। हुण इधर मेरी तरफ वेखना तीन सिपा सलार यके बाद दीगरे शहीद होए। मेरे आका ने फौरन मदीने खबरां बयान कीतियां ओए कुशो नौ वाले हो ए मार्का ते मुल्के शाम हो रहा खबर नबी पाक मदीने बयान कर रहे खुदा दी कसम हक ते सच नबी पाक बयान कर रहे किवें बयान कर रहे ला महला ईमान मजबूत करना पैना इन हुआ इल्ला वहयु युहा आप रब दे सच्चे और आखिरी नबी बन के आए ए नब सच्चियां बातां नबूवत दियां सच्चियां दलीलां ने। फिर दूजी गल आप वही दे पाबंद नबी ने कुरान भी वही ते नबी पाक दी हदीस भी वही। हजरात मैं तुहानू चौथी हदीस फिर सहीहुल बुखारी चू सुनान लगा। आका जी मदीने बैठे सहीहुल बुखारी बैठिया बैठिया मुर्शद पाक फरमांदे ने सहाबियो उठ के खड़े हो जाओ जरा सफा सिद्धियां करो हबशे दा बादशाह नजाशी फौत हो गया है आओ जरा मिल के नजाशी दी खैबाना नमाजे जनाजा ही पढ़ लईए। वीरियो पता नहीं जिंदगी किस मोड़ ते मुक जाए खुदा दी कसम लोगो मौत मेरी तुहाडी मर्जी नाल नहीं जे आनी मौत अर्श वाले रब दी मर्जी नाल आउणी है। कदे ए वी बह के सोचे आई बाकी कितनी जिंदगी रह गई है कुल्लु मन अलैहा फान वाली गल ज़ेन तेरे तो ले गई है इंज कोठियां यार बनाइया ने नाले बिल्डिंगा खूब सजाइया ने इंज लत्ता यार जमाइया ने जिवें सनद जीवन दी ले लईए लापरवाह होके बेपरवाह होके काफलों की तरह जिंदगी गुजार रहे जिवें मरना ही नहीं कबर अंदर जाना ही नहीं लापरवाहियां छड़ दे मौत अर्श वाले रब दी मर्जी ना लाएगी कदों आनी है कित्थे आनी है रब ही जानदा है। हुण मैं अर्ज करन लगा वां आका फरमांदे ने नजाशी फौत हो गया है ए हबशे दा बादशाह है फौत हबशे अंदर होया फौरन नबी पाक ने लाइव खबरां बयान कीतियां क्यों इन हुआ इल्ला वहयु युहा नजाशी मुसलमान कदों होया है ए भी गल सुन लो आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचे दा पुत्र जिन्हों जाफर तैयार किया जाता है। हजरात रज़ी अल्लाह तआला नो और दीगर नबी पाक दे सहाबा मक्कियों हिजरत करके हबशे गए ने। ईसाइयां दा मुल्क है इत्थे नजाशी ईसाइयां दा बादशाह है इहदे दरबार अंदर बड़े बड़े पादरी बैठे ने इत्थे गल करन दा मौका मिलिया। हजरत जाफर तैयार सूरह मरियम दी तलावत करते ने कुरान पढ़ते ने नबी पाक दी अज़मत शान अंदर शानदार खुतबा दिता है। एक कुरान सुनी जाता है ते नाले छम छम रोई जाता है। नजाशी मुसलमान हो जाता है रहमतुल्लाह ताला। गल सुनिया जे इत्थे एक गल होर भी समझ के लै जाओ। हालत ईमान अंदर जेड़ा बंदा नबी पाक दी जियारत करे ओनू सहाबी किया जाता है। एक एक सहाबी ते अल्लाह पाक ने जहन्नम दी अग नू हराम कर दिता। हर हर सहाबी नबी जन्नती है। हर हर सहाबी नबी बोलो जन्नती है। नबी पाक दे सहाबा ना मुलाकात करने वाला ओनू ताबी किया जाता। नबी पाक फरमाते ने मैनू वेखण वालियां ते जहन्नम दी अग हराम, मैनू वेखण वालियां नू वेखण वालियां ते जहन्नम दी अग हराम। ताबीन ते भी जहन्नम दी अग हराम है। जिन्हां सहाबा नाल मुलाकात कीती नबी पाक दे बाद ओ ताबीन। एक होर करो एक गल सुनिया जे हजरात उन्हां नू भी ताबीन किया जांदा है जिन्हां नबी पाक दा दौर भी पाया, कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन नबी पाक नाल मुलाकात ना हो सकी। मर्जियां रब दियां ने, खुदा दी कसम लोगो, कलमा भी पढ़िया, नबी पाक दा दौर भी पाया, लेकिन मुलाकात बोलो मुलाकात नहीं कर सके। इंज दे लोकां दी तादाद 28 28 बंदे, कुल 28 ऐसे बंदे ने जिन्हां मुर्शद पाक दा कलमा भी पढ़िया, इस्लाम भी कबूल कीता, हुजूर दा दौर भी पाया, लेकिन रब दी मर्जी नबी पाक नाल मुलाकात साबित नहीं। उन्हां विचों हबशे दा बादशाह नजाशी शरे फरिश्ते इन्हें कलमा पढ़ लिया, लेकिन नबी पाक नाल मुलाकात नसीब अंदर ही नहीं, इत्थे ही फौत हो जाता है। जदों हबशे अंदर फौत होया मुर्शद पाक मदीने ने महीने डेढ़ दा सफर, नबी पाक फौरन फरमांदे सहाबी हो उठ के खड़े हो जाओ, जरा नजाशी फौत हो गया, आओ जरा खैबाना नमाजे जनाजा ही पढ़ लीए। जदों को पुछदे ना सानू गैबाना नमाज़े जनाजे दी दलील, असीं ए रवायत बुखारी दी पेश करने आ। नजाशी दा नबी पाक ने गैबाना नमाज़े जनाजा पढ़िया है। मुकम्मल रवायत मैं तुहानू सुना रहा। हजरात अल्लाह पाक ने वही दे जरिए नबी पाक नू खबरां दित्तियां। मोबाइल टैलीफोन दा दौर नहीं जे उत्थों बंदा कासद कोई खबर लैके आए महीने बाद पहुंचेगा, लेकिन आका ने उधर नजाशी फौत होया इधर फौरन खबरां बयान कीतियां। फिर ईमान मजबूत करना पैना, ला महला कहना पैना। वन्नज्म इज़ा हवा मा अज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। हुजूर वही दे पाबंद नबी ने, कुरान भी वही दे, नबी पाक दी हदीस भी। बोलो इत्थे बंदे आंदे ने, कई बाबे जिद्दी हुंदे ने, इंज लकीर खिंच के आंदे ने पत्थर ते लकीर, ए लकीर लोहे ते, इंज तू इंज हो सकदा है। मैं अपने खुदा दी कसम साड़ियां सारियां बातां फजूल ने। किसी हुक्मरान दी गल पत्थर ते लकीर नहीं, मौलवी दी गल पत्थर ते लकीर नहीं, किसी वड्डे छोटे दी गल हरफे आखर नहीं। कोई हस्ती है जिंदा मैं और तुसा कलमा पढ़े है, उनकी बात हरफे आखर बात है। उस हस्ती दी बात खुदा दी कसम पत्थर ते लोहे ते लकीर है। मेरियां तुहाडियां गल्लां अंदर शक हो सकता है, खुदा दी कसम नबी पाक दी किसी भी गल अंदर कोई भी शक दी गुंजाइश भी नहीं। हुक्मरान तो तुहानू पता हमेशा ही सच बोलते हैं, इन्हां दीयां बातां अंदर भी शक, वड्डियां दीयां बातां अंदर शक, ते नबी पाक दी किसी भी बात अंदर शक नहीं। जेड़ा शक करेगा ओ ईमान तू फारग है। क्यों? कुरान भी वही, नबी पाक दी हदीस भी वही। इन हुवा इल्ला वहयु युहा। हुण मैं तुहानू पांचवी हदीस सही मुस्लिम चो सुनान लगा। आ तैनू शान सुनावा शान पीर दिया बदर मुनीर दिया। थोड़े थोड़े शेर शूर भी सुन लेंगे हो। हाँ ये समझो नैरो बयान दा ठीक है, ये कुश्ता है तो जरा 5 मिनट बाद देव इनके तरो तारा हो ताज़ा हो जाते हो। जरा तुम सुबहान अल्लाह पढ़ो तो मैं 2-3 जुमले सुनावा। आते नु शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया, कसम खुदा दिए अकीदा साडा सुच्चा है, सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। जेड़ा उच्चा मनते ने बांह चुक के कहो सुभान अल्लाह। तुहाडी सर्दी अल्लाह करे दूर हो जाए, फिर बांह चुक के कहो सुभान अल्लाह। कसम खुदा दिए अकीदा साडा सुच्चा है, सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है, सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। ओदे कदम दे विच मर जावा, ओदे कदम दे विच रुल जावा, शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया, साडियां ते इज्जतां अल्लाह ने वधाइयां ने, साडियां ते इज्जतां अल्लाह ने वधाइयां ने, सुन्नता रसूल दिया साडे हिस्से आईयां ने, सुन्नता रसूल दिया साडे हिस्से आईयां ने। क्यों बिदतां ते अमल कमावा, शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। कसूर अगले दिन जलसे ते गया ते जिन्हें जलसा खुआया आंदा देसी मुर्गे खाओ, आंडे खाओ, जो मर्जी खाओ। तो बेचारा दाढ़ी कोई नहीं रखी सी, कहंदा जो मर्जी खाओ। उत्थे तकरीर च ना किया जे जलसा करा रहे दाढ़ी रख। मैं कहंदा जलसा भी मैं करावा, बेइज्जती भी मैं करावा। चलो मैं कहा भाई जे तू नाराज हुंदा ते मैं अगे भी कदे नहीं किया, तू एडवांस मैनू मना कर दिता है। जिन्हें नबी पाक दी सुन्नत समझ के रखनी इंशाअल्लाह उन्हें रख ही लैनी है, ते बंदियां जो जरूरी मैं तैनू खड़ा करना है इंशाअल्लाह। मैं कि मेरी दिली दुआ है अल्लाह करे तू छेती रख ले, किसी को पता ही ना हो चुप करके रख ले। तो जो तू वध जाए ना 2-2 इंच उदू लोगों को पता लगे कहन मुबारक होए माशाल्लाह। बस खुफिया तौर पर असी दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक हुजूर दी सुन्नत ते अमल करने की तौफीक दे। हजरात मैं अर्ज करा सही मुस्लिम नबी पाक मदीने बैठे सहाबा दी जमात है, आपने ते पशीन कोई खबर बयान की मुस्तकबिल दी। मैं अर्ज कर रहा जेड़ी गल नबी पाक फरमान कदी भी गल तो हो सकती नहीं। ये हजरात सही मुस्लिम से 5वीं हदीस जे जेड़ी मैं तुहाडे सामने दलील देन लगा। आका फरमांदे ने परवाने हो ये रवायत जरा थोड़ी कु लंबी है, तुसां तवज्जो करोगे तो फिर सारी गल समझ आएगी। आका फरमाते ने परवाने हो अन करीब एक काफला यमन तू चल के मदीने आएगा। खबर बयान करने वाले कौन ने? बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते ने एक काफला यमन तू चल के मदीने आएगा। इस काफले अंदर बड़े बड़े लोग होंगे, कुछ लोग करन कबीले दे भी होंगे। आका फरमाते ने करनी आएंगे। इन लोगों के अंदर काफले के अंदर एक नौजवान बंदा आएगा जिंदा नाम अवैस बिन आमर करनी होएगा रहमतुल्लाह अलैह, यानी अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। एक काफले दे नाल मिलके इमाम कायनात ने रब ते वली अवैस करनी दे मुतल्लक खबरां दित्तियां। आका फरमांदे ने अवैस करनी एक काफले नाल मिलके यमन अंदर आएगा, उन्हों बरसती बीमारी लगेगी, पूरे जिस्म ते बरसती बीमारी दे निशान होंगे। ए अवैस करनी रहमतुल्लाह अल्लाह पाक अगे दुआ करेगा, अल्लाह पाक अवैस करनी नू तंदुरुस्ती अता कर देवेगा। सारे निशान मुक जाएंगे, बीमारियां मुक जाएंगियां। ए नबी पाक निशानियां दस रहे ने। आका फरमांदे ने परवाने हो अवैस करनी दे पूरे जिस्म उत्ते एक दिरमो दिनार दे बराबर छोटा जिहा निशान बाकी होएगा, वो मदीने काफले ना लाएगा। नाली नबी पाक फरमांदे ने उनकी मां भी जीउंदी होएगी, अपनी अम्मी दा खिदमत गुजारे। आका फरमांदे ने सहाबीओ तुहाडे विचों जिंदे नाल अवैस करनी दी मुलाकात हो जाए तुसा अपने लिए दुआए मगफरत मगफरत करवा लिया जे रब उनकी दुआ कबूल करता है। ए नबी पाक ने खबर बयान कर दितियां आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी अंदर अजे काफिला यमन तो मदीने नहीं आया, आका दुनिया तो तशरीफ ले गए। नबी पाक दे बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दौर आया रसी अल्लाह तआला नो। मेरे पाक पैगंबर दी खबर अजे भी पूरी नहीं हुई, हजरत अबू बकर भी दुनिया तो तुर गए। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब दा दौर आया रसी अल्लाह तआला नो। चलदियां उमर बिन खत्ताब दे दौर अंदर एक काफला चलदियां यमन तू मदीने आया। काफले वाले जदों मदीने पहुंचे ने ए नबी पाक दियां खबरां हजरत उमर दे दौर अंदर सच साबित होईयां, पूरियां होईयां किवें हुण मैं पूरी वजाहत करन लगा, मेरी तरफ देखना। हजरत उमर दा दौर काफला यमन तू जदों मदीने पहुंचया काफले वालियां ने मदीने डेरा लाया। आप दे साथियां ने जल्दी नाल अमीरुल मोमिनीन नु दस्या, अमीरुल मोमिनीन जी एक काफला यमन तू चल के मदीने आया है, तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहते ने। हजरत उमर ने जदों यमन दा नाम सुनिया ओ नबी पाक दियां फरमाईयां गल्लां ओ बातां ते खबरां ज़हन अंदर आ गईयां। जल्दी नाल उठ के काफले वाले नाल मुलाकात कीती। सलाम दुआ दे बाद उमर फरमांदे ने रज़ी अल्लाह तआला नो काफले वालेओ मैनू दसो क्या तुहाडे अंदर कोई करनी हुई आए ने, करन कबीले दे लोग भी आए ने। इन्हां दस्या अमीरुल मोमिनीन ए कोने अंदर सारे करनी बैठे ने। हजरत उमर जल्दी नाल उस कोने अंदर पहुंचे। हुन रावी भुल जांदा है, हजरात जिहड़ा बंदा रिवायत बयान कर रहा रावी आंदा मैं भुल गया वां। हजरत उमर दे ऊंट दी मुहार जमीन ते डिग्गी, एक बंदे ने मुहार चुक के हजरत उमर नूं फड़ाई या उस बंदे दे ऊंट दी मुहार गिर गई। अमीरुल मोमिनीन ने मुहार चुक के उन्होंने फड़ाई। हर हाल एक दूजे नूं मुहार पकड़ांदियां इत्थे तारफ शुरू हो जाता है। हजरत उमर फरमांदे ने बई तेरा नाम की है? ये बोल के आंदा अमीरुल मोमिनीन मेरा नाम अवैस बिन आमर है, लोग मैनू अवैस करनी कहंदे ने। ओ नबी पाक दियां गल्लां मैनू सच साबित हो रही। एक काफला मदीने आएगा, काफला आ गया है यमनी, यमन तू आएगा करनी आएंगे, ये भी गल पूरी। इन्हां अंदर एक बंदा जिंदा नाम अवैस करनी होएगा, अवैस करनी भी काफले अंदर आ गए। गल्लां पूरियां हो गई। हजरत उमर दे ज़हन अंदर पूरी हदीस, अगलियां बातां टोह दे अंदर तहकीक अंदर की अगली जरा तसली कर लवां जिहड़ियां निशानियां नबी पाक ने दसियां। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमांदे ने अवैस मैनू दस क्या तैनू कोई पहला बरस की बीमारी लगी सी? आंदा जी अमीरुल मोमिनीन लगी सी। फरमाया की बनया? अवैस आंदा मेरा पूरा जिस्म बरस की बीमारी अंदर मुबतला हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे फिर क्या बनया? अवैस करनी रहमतुल्लाह ले आंदे ने अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह पाक अगे दुआ कीती, रब ने मैनू शिफावां दे दित्तियां ने, सारे निशान मिट गए ने, रब ने तंदुरुस्ती दे दित्ती है। हजरत उमर दे ज़हन अंदर गल आई कि नबी पाक ने फरमाया सी पूरे जिस्म ते एक छोटा जा चटाक निशान बाकी होएगा। हजरत उमर विंदे ने कोई निशान नजर नहीं आया। फरमाया ए अवैस कोई तेरे जिस्म ते बरसती बीमारी दा अजे भी निशान है या कोई ना? आंदा जी अमीरुल मोमिनीन मेरे पेट दे ऊपर नाफ के करीब एक तिरमो दिनार के बराबर अजे भी निशान बाकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां फरमाईयां गल्लां मैनू अन पूरियां हुंदियां जा रहियां। हजरत उमर दियां आहीं निकल गईयां। फरमांदे ने अवैस तेरी मां दा की बणिया? तेरी अम्मा जिंदा है या कोई ना? हुजूर ने फरमाया सी उहदी मां भी जीउंदी होएगी। अवैस आंदा जी अमीरुल मोमिनीन मेरी मां जीउंदी है, मैं अपनी अम्मी दा खिदमत गुजारा। खुदा दी कसम 109 वाले हो नौजवानों ते बाबे हो पूछो मेरे ओलामानो अवैस करनी नू जितनियां शाना मिलियां अम्मी दी खिदमत दी वजह नाल मिलियां ने। मां की खिदमत की वजह नाल मिलियां ने। मेरे पाक पैगंबर दे कोल अवैस एक दो मरतबा मुलाकात करन मदीने आया। नबी पाक किते हिजरत या किते काफले नाल गजवे ते बाहर गए होए, मदीने शहरों बाहर ने। नबी पाक नाल मुलाकात साबत कोई नहीं, अवैस करनी दे एक दो मरतबा पैगाम ते सुने आउंदे रहे। अवैस आंदा सुनियो, जिंदगी दा कोई पता नहीं किस मोड़ ते मुक जाए, ओ ना होए कि मेरी तुहाडी मुलाकात ही ना होए। अम्मी बुजुर्ग बूढ़ी मां बीमार है, इंदी खिदमत अंदर वक्त गुजर रहे हैं। मैनू डर लग रहा है किते मुलाकात तू रह ना जावां। मैं तुहाडी जियारत करना चाहना, तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहना। हुण नबी पाक को पैगाम आया, आका पैगाम भेज देने अवैस नूं कहो अवैस परेशान नहीं होना। ये नहीं किया मां नूं छड़ दे मेरे कोल ना ना। आका फरमांदे ने बुढ़ी मां दी खिदमत कर, अदब कर, एहतराम कर, इंदी इज्जत तो कीर कर। अवैस बाकी गल मुलाकात दी रही, जे दुनिया ते मेरी तेरी मुलाकात ना भी हुई तू अपनी अम्मी दी खिदमत करदा रह, कल क़यामत नूं जन्नत दे बूहे ते मेरी तेरी मुलाकात जरूर हो जाएगी। नबी पाक फरमांदे ने अवैस अपनी अम्मी दी खिदमत करता रहो, जन्नत दे बूहे इत्थे जे दुनिया ते ना ही हो सकी जन्नत दे बूहे ते मुलाकात हो जाएगी। हजरात अवैस करनी दी नबी पाक ना दुनिया ते मुलाकात साबित नहीं, मां दी खिदमत अंदर खुदा दी कसम है सारियां शाना अम्मी दी खिदमत दी वजह नाल मिलियां ने। सुनिया जे ध्यान नाल, हजरत उमर ने वेख्या सारियां जदों निशानी पूरी हुई, फरमाया मेरी मां जीउंदी है ते मैं मां दा खिदमत गुजारा। इत्थे एक गल मैं भी कहना चाहना, या अल्लाह जिन्हां दियां जीउंदियां ने सानू खिदमत करन वाला बना दे। जिन्हां दियां मावां तुर गईयां कब्रां नू जन्नत दे बाग बना, आमीन कहो। खुदा दी कसम ऐसियां नेमतां ने, अब्बू अम्मी ऐसी नेमत है, अखां रोंदियां ने ते रोंदियां रह जान। जान वाला अब्बू कदे वापसी नहीं आया, अखां रोंदियां ने ते रोंदियां रह जान। जान वाली अम्मी कदे वापसी नहीं आई। एक दो जुमले सुन लो, जे टुर गई है कब्रे अंदर वीरिया मां नहीं ओ लबनी ओ प्यारे मां नहीं ओ लबनी। जे टुर गई कब्र अंदर वीरिया मां नहीं ओ लबनी ओ प्यारे मां नहीं ओ लबनी। एहो जी मिठी ते ठंडी किते भी छां नहीं ओ लबनी ओ प्यारे मां नहीं ओ लबनी। जदू दुनिया ठुकराएगी तेनू मां याद आएगी, तू कब्र ते बह रोएगा अगों पे रहा नहीं हो लबनी अवीरिया मां नहीं हो लबनी। तू रोवेंगा सतावेंगा जे दिल मांदा दुखावेंगा। गमा तू सर छुपावन लई, गमा तू सर छुपावन लई किधरे पीछा नहीं ओ लबनी अवीरिया मां नहीं ओ लबनी। रब दी इज्जत दी कसम चुके कहना, अवैस करनी नू जितनियां शाना मिलियां ने अम्मी दी खिदमत दी वजह नाल, मां दी खिदमत दी वजह नाल। अल्लाह करे जिन्हां दियां मावां जीउंदियां औलाद मां बाप दे ताबेदार बन जान। सहीहुल बुखारी आका फरमांदे ने लोगो, मावां दी ना फरमानी रब ने औलाद उत्ते हराम कर दिती है। मावां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां, मां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां नहीं तो पूछो उन्होंने जेड़े बैठे ने मावा टोर मियाँ मां मरे ते पुत्र कले हो जाते वे मां मरे ते पुत्र कले हो जाते कई वेखे ने रो रो झले हो जाते है खुश किस्मत मापे जिनांदे कोल मियाँ नहीं तो बोझो उन्होंने जेड़े बैठे ने मावा टोर मियाँ मां मरे ते लागे कोई नहीं बैंदा है मां मरे ते लागे कोई नहीं बैंदा है मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदा है लंघदी है बाकी सारी जिंदगी बोर मियाँ नहीं तो बुझ उन्होंने जेड़े बैठे ने मावा टोर मियाँ मैं अर्ज करना चाहना ये खबर पूरिया हुई हजरत उमर इब्ने खत्ताब आंदे ने अवैस तेनू रब दा वास्ता मेरे लिए दुआ कर दे अल्लाह पाक जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर दे वे नबी पाक दा सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो अवैस करनी नु कही जांदे मेरे लिए दुआ करो रब गुनाह मुआफ करे सही मुस्लिम दे अल्फाज ने अवैस करनी फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन तुसा नबी पाक दे सहाबी हो मैं ते ताबीआं तुहाडी शान बहुती है अवै हजरत उमर फरमांदे ने अवैस गल सुन ले सानू नबी पाक ने तेरे मुतल्लक खबरां दित्तियां पेशीन गोइयां दित्तियां आका ने फरमाया सहाबियो ताबीन दी जमात अंदर बेहतरीन ताबी बेहतरीन बंदा मेरा अवैस करनी है ईमानदारी नाल सियाने बैठे हो तुसा मैनू जवाब दे हो जिन्हों नबी पाक कह देन फला बंदा बेहतरीन है दसों दी कामयाबी अंदर कोई शक है ये सारियां शाना मां दी खिदमत दी वजह नाल मिलियां आका फरमांदे ने ताबीन दी जमात अंदर बेहतरीन बंदा ते बेहतरीन ताबी अवैस करनी है जिंदी मुलाकात अवैस करनी नाल हो जाए अपने लिए दुआए मगफरत करवाया जे उमर फरमांदे ने रजी अल्लाह तआला नो अवैस अगर नबी पाक ने ना किया हुंदा हो सकदा मैं भी तेनू ना कहंदा सानू जग्गां दे पीर ने फरमाया जिंदी अवैस करनी ना मुलाकात होए अपने लिए दुआ करवाना यार रब दा वास्ता दुआ कर दे अवैस करनी ने फिर हाथ चुक लेने उमर बिन खत्ताब वास्ते दुआ कर दी रसी अल्लाह तआला नो ऐ मुस्लिम दी रवायत मैं मुकम्मल पढ़ी जेड़ियां खबरां पेशीन गोइयां नबी पाक ने अपनी जिंदगी अंदर दित्तियां मैनू अन हरफ हरफ नबी पाक दियां बातां उमर बिन खत्ताब दे दौर अंदर पूरियां होइयां क्यों ला महला ईमान मजबूत करना पैना वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा हज़रात वजह है कुरान भी वही ते हदीस मुस्तफ़ा भी हज़रात मैं तुहानू 5 हदीसा सुनाइया नबी पाक दी ज़बान चो जड़ियां गल्लां निकल जाणो इंज ने जिवें कुरान दियां अगर कुरान अंदर कोई खबर रहमान बयान करे वह भी हक सच अगर नबी पाक कोई खबर बयान करन बजरिया वही वह भी हक सच ते शरी दीन शरीयत वही दा नाम है ते वही ते अमल करना है असा इत्तिबा पैरवी करनी है हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते वही नू ही मनना है कुरान भी वही ते नबी पाक दी हदीस भी इन्हां दोनों नू मनांगे ते कामयाबी दुनिया अंदर आखरत अंदर भी मोहतरम टाइम काफ़ी हो गया घंटा 2 मिनट रह गए घंटा पूरा हो चले हाजी राशिद आंदा 2 ऐतां पढ़ दे हैं लकद मन अच्छा ओ पीर 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 शाह अब्दुल गनी कामों की वाले रहमतुल्लाह ताला, हजरत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह चाचा जी कह रहे हैं उन्होंने तर्ज अंदर पढ़ो, मुंडिया तो पता नहीं उनकी तर्ज की है, बाबिया को पता है। चलो जरा सुन लो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। सुभान अल्लाह चाचा इन्हें शाह सुबहान अल्लाह कहनी नहीं, धक्के नाल ही सुनी जाती। अच्छा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कब्ल मेरा बाबा कितने नाराज ना हो जाए। सिर्फ दो जुमले, आखे हलीमा लोरी में सुने निया तू सो जा सोना झूला में झूले निया। माँ हलीमा फरमारी मेरे हाथ ते सीते सोना पा तू चोले उंगली पकड़ के चल हौले हौले चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते मैं चाल बेनिया तू जुलम झुलेनिया घर बेच हलीमा बेड़े बेच हलीमा फिर दी हस दी सकिया नु बाबा अब्दुल रशीद ओ फिर दी दस दी क्या मैं को ए हसेंदा है मैं को ए हसेंदा है इको मैं हसेनिया जींदे रहो। अल्लाह मेरी तुहाड़ी हाजरी कबूल फरमाए। मैं पहले भी आज साहब नूं कहा फिर कह देना जिंदगी रही आज मेरी गल मान ली है मस्जिद इंतजामिया ने पहली तकरीर कराती मजबूरी से। आइंदा तू जरा टाइम तय करांगे तुहाडी मर्जी बा मुताबिक भावें आखिरी बयान करो भावें दरम्यान कराओ खुला टाइम होएगा इंशाअल्लाह। जिंदगी रहे जे जींदे रहे मुलाकात होएगी इंशाअल्लाह। मियाँ गुलजार साहब और जिहड़े मस्जिद इंतजामिया मुआविनीन इन्हां दे इंशाअल्लाह मशवरे नाल आके बह जाऊँगा जदों दिल करे तुसीं तकरीर करवा लेना। मैं इंशाअल्लाह जे वादा हो गया तो फिर जरूर आवांगा जेड़ा वादा दांगा जिंदगी रीते इंशाअल्लाह आवांगे। कारी साहब मेरे भाई का ऑपरेशन है प्लीज़ दुआ कर देना। नाम उन्हें नहीं लिखा। चलो जिस दिन का ऑपरेशन हो गया अल्लाह पाक तंदरुस्ती दे, जिन नहीं होया होने वाला है अल्लाह पाक शिफाए कामना आजला ता फरमाए। रब्बुल आलमीन मेरी तुहाड़ी हाज़री कबूल फरमाए। प्रोग्राम अजे जारी है इंशाअल्लाह तुसीं बहना उलमा बयान भी करनगे तो दुआ भी होएगी इंशाअल्लाह। बैठे हो ना हुण तुसीं बहना जरा। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। हज़रत मौलाना कारी इस्माइल अतीक़ हफ़िज़हुल्लाहु ताला ने हक़ानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ुबान दे विचों निकली हुई हर बात उदी हक़ानियत उदा सच साबित होना उदा पूरा होना मुकम्मल होना इंतहाई खूबसूरत और सलीस अंदाज दे अंदर तुसा अहबाब नू समझाया और दसिया